बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है। और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे। आज है संडे और बच्चों का यह है कि अभी साथ खदीजा उठ चुके हैं, सिद्रा अभी नहीं उठी। और दूसरा ये है कि जब हम पेट्स घर में पालते हैं और ओनर होते हैं, वो जो हमारे पास जो किटन्स या जो बच्चे होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। और जब सुबह मैं उठी तो मेरी जो कुकी है वो कोई 3 वोमिट कर चुकी थी, और अभी मेरे उठने के बाद भी उसने 1 वोमिट किया है। अभी मैं उसको खाने पीने को कुछ नहीं दे रही, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि जब जानवर बीमार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। तो मैं अभी देखती हूँ, अब अल्लाह करे कि अभी नेक्स्ट उसको कोई वोमिट ना हो। अगर हुई तो फिर मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उसकी वजह से। बाकी ये है कि सिद्रा उठेगी तो नाश्ता बनाना है, उससे पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि फिर दिन भर के काम, वीकेंड पे इतने घर के काम होते हैं, समेटना, सेट करना, ये बच्चों की अलमारियाँ ठीक करना, तो फिर टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। आज की वीडियो में 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 2 हमारी मेरी सिस्टर्स के कुछ कमेंट्स आए हुए थे, मैंने उस पर बात करनी है। और सिस्टर यास्मीन का 2nd डोज लगा है, जब वो लगवाने जा रही थी तो उन्होंने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि आज उनका 2nd डोज है। और सिस्टर मेरी इस वीडियो में आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपकी कंडीशन कैसी है 2nd डोज के बाद आपकी जो है। और दूसरा ये कि 2nd डोज से पहले आपका CBC हुआ होगा, ब्लड टेस्ट हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट क्या आई, क्या वो ठीक थी, आपको 2nd डोज लग गया या फिर आपको इंजेक्शन लगा जो कि पेट में वाइट ब्लड सेल बढ़ाने के लिए लगता है। तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डाइट अच्छी रखें। और दूसरा जो है वो नाहिद अख्तर का जो था एक मैसेज, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ, मैं अभी कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। अच्छा, उन्होंने मेरी रेडिएशन के हवाले से प्रीवियसली कोई वीडियो देखी, उस पर उन्होंने कमेंट किया कि जिस पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो कि मैं जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी उस पर उन्होंने कमेंट किया कि जो है वो मेरी रेडिएशन जो है होनी है। ये कहा कि उनको जो है 14th आई थिंक सजेस्ट की गई हैं रेडिएशंस, तो ऐसा क्या क्या हुआ था आपके साथ? तो सिस्टर हुआ ये था कि 2nd रेडिएशन थी मेरी, और उसमें ये होता है कि मेरी जो लेफ़्ट साइड का जो साइड है वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई थी, तो रेडिएशन वहाँ होनी थी। और लेफ़्ट साइड पे ही हार्ट होता है, और बिल्कुल हार्ट वहीं उस यहीं पर ही हार्ट होता है, यहीं ब्रेस्ट है। तो होता ये है कि उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक आप सांस रोकेंगी तब रेडिएशन लगेगी, और जैसे आप सांस लेंगी तो मशीन हट जाएगी। तो अब जब 1st डे था कि वो लोग कह रहे थे सांस रोकें तो रेडिएशन हो रही थी, फिर वो जब एक मिनट का हो जाता था टाइम तो फिर कहते थे सांस लें, तो मैं सांस ली। तो पहले दिन तो ऐसे हो गया, 2nd डे हुआ कि उन्होंने कहा सांस रोकें, मैंने सांस रोकी। अब मुझे ये था कि अब मैंने सांस रोकी हुई है, रेडिएशन हो रही है, तो वो बोलना ही भूल गए कि अब सांस लें। अब मैं सांस ले ही नहीं रही, अब मुझे इतना टेंशन, इतना दबाव कि मैं सांस ले लूँगी तो जो है वो रेडिएशन मेरे हार्ट पे चली जाएगी, मेरे दिल पे लगेगी, तो क्या करूँ? अब इससे इसमें जो है मेरा दम घुटने लगा, और मेरी मैं चीखने लगी। और फिर जो है वो लोग सब वापस आ गए, कहा क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा आप लोगों ने सांस लेने का बोला ही नहीं, सांस रोकने का बोलने के बाद, तो मैं सांस रोकती रही, और मैं इतनी देर तक तो नहीं सांस रोक सकती, तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई। तो उन्होंने कहा कि असल में होता ये है कि जितनी देर आप सांस, ये ऑटो मशीन होती है रेडिएशन वाली, आपकी सांस रुकती है तो ही वो मशीन ऑन होती है। अगर आप सांस ले भी ली हमारे कहने से पहले तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मेरा तो लेफ़्ट साइड थी और लेफ़्ट साइड पर हार्ट भी था, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ये सांस रोकने का था। लेकिन जो और पेशेंट्स थी उनको सांस रोकने का नहीं कहते थे, उनकी वैसे ही रेडिएशन हो जाती थी अगर उनकी ये वाली साइड होती थी तो। और बहुत सारी जो पेशेंट्स होती थी उनके सिर्फ यहाँ एक्सला में जो है वो कैंसर की सिस्ट्स बनी थी, उनका ऑपरेट हुआ था, तो यहाँ उनकी रेडिएशन होती थी, तो उनको भी जो है सांस रोकने और लेने का नहीं कहा जाता था। तो आई होप कि आपके साथ भी यही होगा, कि आप ज़रूर मुझे बताइएगा अगर मेरी ये वीडियो देखें कि आपकी कौन सी वाली साइड है। अगर आपकी लेफ़्ट साइड है जहाँ पर दिल है, तो फिर आपको सांस रोकनी होगी, और उसकी आप अभी से ही प्रैक्टिस कर लें। मुझे भी उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि आप प्रैक्टिस करें सांस रोकने की, कम से कम 1 मिनट तक आप सांस रोकें, क्योंकि जब तक
सांस रुकेगी तब तक रेडिएशन होगी, सांस लेंगी तो मशीन बंद हो जाएगी। तो एक एक चीज़ ये थी। दूसरा, मेरी एक वीडियो पर जो है कमेंट आया एक सिस्टर का कि वो उन्होंने कहा कि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था केमोथेरेपी और रेडिएशन, मैंने सिर्फ सर्जरी करवाई है, नाउ आई एम ऑन मेडिसिन ना। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। सिस्टर, आप मेरी ये वीडियो देखें तो मुझे ज़रूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं, जितना मैं हॉस्पिटल गई हूँ या जो खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे ये सजेस्ट किया गया कि या तो सर्जरी से पहले कीमो होती या सर्जरी के बाद होती है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करें, सजेस्ट करें कि आप पहले कीमो करवाएं। मेरे 16 डोज थे और वो जब कंप्लीट हुए उसके 1 वीक बाद जो है वो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और फिर मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी के 15 डेज के बाद मेरी रेडिएशन हुई। 20 शॉट्स लगे मुझे। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि आपकी कीमो भी नहीं हुई, अब रेडिएशन भी आपने मना कर दी और जो है आपकी जो है वो सिर्फ सर्जरी हुई? तो क्या आप ठीक हैं और ये क्या ऐसे होता है? अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो एक ये चीज़ थी। और इसके अलावा जो है आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरी प्रीवियसली वीडियोस अभी देखी जा रही हैं तो उन पर कमेंट्स अब आते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का उन वीडियोस को देखने के लिए। और इसके अलावा जो है कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो जो कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से हों, रेडिएशन के हवाले से हों, कीमो के हवाले से हों, सर्जरी के हवाले से हों, आप मुझसे कर सकती हैं। मैं ज़रूर आपको उनके रिस्पॉन्स करूँगी, रिप्लाई दूँगी, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से गुजर कर यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम शहनाज शाहिद है, वेलकम है आप सबको मेरे इस चैनल पे। और मेरा 2022 में, अगस्त 2022 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, 3rd स्टेज। और फिर एक साल बाद यानी लास्ट ईयर अप्रैल में मेरी सर्जरी हुई। मैं जून जुलाई तक जो है मेरी रेडिएशन भी कंप्लीट हो गई थी, यानी जुलाई 2023 में मैं जो है सारे प्रोसीजर से निकल के मेडिसिन पर आ चुकी हूँ। और अब मेडिसिन को भी एक साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी 4 साल और हैं, 5 साल डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया है मेडिसिन। मेडिसिन में ये है कि नॉल्वाडेक्स मैं लेती हूँ सुबह शाम, और इसके अलावा जो है इंजेक्शन लगता है 3 मंथली, मुझे नॉरेलिन नाम है उसका। तो बस ये मैंने सोचा आप लोगों से, ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और कुछ मेरी भी कन्फ्यूजन थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।